जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हो टेक सॉल्यूशन और मैं हूं सुनील। एक और फ्राइडे आ चुका है और हम भी आ चुके मजेदार न्यूज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फ्राइडे फेस्ट का एपिसोड नंबर 3। हमारा जो पहला न्यूज आ रहा है वो आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का जो फ्लैगशिप फोन है सैमसंग गैलेक्सी S20 Ultra, S23 Ultra, जो कि आपको अपकमिंग फोन्स में मिलेगा, जो कि 2023 में मिलेगा, उसमें बताया जा रहा है कि 200 मेगापिक्सल का आपको एक सेंसर देखने को मिलेगा, जिससे आप 16 टाइम तक जूम कर सकते हो। और उसका जो जूम होने के बाद जो डिजिटली आपको इमेज मिलेगा वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जिस जो कि आपको S23 एंड S22 का डिफरेंस बता देगा। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये S20 Ultra से क्लिक किया गया है, और ये जो दूसरा इमेज आपको देख रहा होगा ये बताया जाता है कि ये S23 Ultra से क्लिक किया गया है। तो आप दोनों इमेज में डिफरेंट देख सकते हो कि क्या है। S22 है उसके अंदर आपको थोड़ा सा जो ब्लरी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नॉइज देखने को मिलेगा, बट S23 में ऐसा नहीं है। और S23 का जो इमेज है वो थोड़ा सा शार्प है, क्रिस्प है, तो आप देख सकते हो। बस ये लीक है कि ये S23 से क्लिक किया गया है, ये कंफर्म नहीं। और ये जनवरी फरवरी 2023 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे हुआवे की तरफ से। हुआवे भी सैमसंग की तरफ अपना एक फ्लिप फोन लाने वाले, जैसा कि आपने सैमसंग का फ्लिप फोन देखा होगा सेम उसी प्रकार से, बट इसमें कुछ डिजाइन चेंज कर देगा। बैक पैनल होता है उसमें आपको कुछ डिजाइन अलग देखने को मिलेगा। और इसके अंदर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले 6.9 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा, फिर विद 2K सपोर्ट। और इसके अंदर आप 120Hz से लेके 144Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलेगा, प्लस 300 MHz तक सैम्पलिंग रेट मिलेगा। और ये आपको चीपेस्ट बताया जा रहा है। और इसके अंदर आपको 4000 MHz का बैटरी मिलेगा, 40W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा। और ये आपको 5 अलग अलग कलर वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जैसे मिंटी ग्रीन, गोल्ड येलो, रोज पिंक, आइस क्रिस्टल ब्लू एंड ब्लैक। इस 5 कलर ऑप्शंस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब जो अगला न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो का A58 के कुछ लीक्स सामने आए, जो कि आपको 11 नवंबर को देखने को मिल सकता है। कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के लिख्स आए तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको 6.5 इंच का LCD डिस्प्ले रहने वाला है, वो भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, वही 1080p वाला डिस्प्ले मिलेगा आपको। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट और 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा। और इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो Dimensity 700 देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी। और इसके अंदर आपको 33W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, और ये आपको एंड्रॉयड वर्जन 12 के साथ देखने को मिलेगा। और इसके अंदर मेन चीज आपको आपका चार्जर और 3.5 FM का जो जैक होता है ऑडियो जैक, वो भी मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला जो न्यूज आ रहा है वो आ रहा है हमारे आईक्यू की तरफ से। आईक्यू का Neo 7 SE, इसके बारे में कुछ लीक्स आए, जिसमें सबसे पहले बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आपको MediaTek का Dimensity 8200 SoC प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 5G प्रोसेसर रहने वाला है। और इसके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, प्लस इसके अंदर आपको 6.7-8 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। इसके अंदर आपको 8GB रैम एंड 12GB रैम वाला ऑप्शन मिलेगा, 5000mAh की बैटरी। और साथ में इसके अंदर आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये आपको नवंबर दिसंबर के एंड या 2023 के स्टार्टिंग में ये आपको फ़ोन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप आईक्यू की तरफ जाना चाहते हो तो इस फ़ोन के लिए वेट कर सकते हो। अब बस अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे फिर से आईक्यू की तरफ से। आईक्यू 11 एंड 11 प्रो है, इसके बारे में कुछ लीक आए हैं, जो कि ये दिसंबर में लॉन्च होने वाला है। अगर बात करें हम इसके डिज़ाइन की, तो इसका जो डिज़ाइन है दो अलग अलग स्मार्टफोन के डिज़ाइन से लिया गया है, और दोनों ही आईक्यू का फ़ोन है। और बताया जा रहा है कि ये चाइना के अंदर रिलीज होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, और उसके अगले मंथ में ही आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर आपको 2K रेजोल्यूशन वाला एक AMOLED E6 डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट। और इसके अंदर आपको Snapdragon 8 Gen 2 का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी लॉन्च हुआ नहीं है बट होने वाला है। और इसके अंदर आपको 16GB का रैम प्लस 512GB का रोम देखने को मिलेगा, और UFS 4.0 का स्टोरेज है। साथ में इसके अंदर आपको 50MP का प्राइमरी और 50MP का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा। और इसके अंदर आपको 32MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे आप सेल्फी अच्छे खासे ले सकते हो। तो अगर आप लेना चाहते हो तो वेट कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही न्यूज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स जो है वो आपको नीचे
देखने को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो जाइए और फॉलो कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।